देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको बताया, पहले आपके ऊपर केसेस किए गए, आप उसका जवाब ही बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कर क्या सकते हैं, आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। हाउ मतलब वॉट ऑल आर यू सपोज्ड सी, एक फसाड जो क्रिएट किया गया है ना, यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दिस, दिस इज न्यू, यू डोंट नो कि भैया आईपीसी की धारा क्या होती है, आपको पता ही नहीं है। मतलब उस दिन पुलिस स्टेशन में 31 की रात को बैठ के रोहित साटिया एंड निशा रावल आर एक्चुअली टेलिंग द पुलिस गाय इस पे ये धारा लगाओ, लॉयर खड़ा है बाहर। हाउ डू यू से दिस? 24 घंटे में 1 तारीख की रात को, 1 जून 2021 की रात को आके एक कॉमन फ्रेंड जो सुलह कराने की कोशिश कर रहा है इस टेलिंग में, भाई तीन तीन केसेस नॉन बेलेबल तुम्हारे अगेंस्ट रेडी है। दैट पर्सन नोज, आई नो, थ्री ऑफ अस वर स्टैंडिंग, अ फ्रेंड मी कुणाल वर स्टैंडिंग देयर, वी ऑल हर्ड द ट्रूथ यार। अब थ्री नॉन बेलेबल केसेस, हाउ डू यू फाइट? आपको पता ही नहीं क्या लगा दिया जाएगा आपके। फिर लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आया कि मैम, जब वैन शालिनी मैम टोल्ड मी कि करण ये चीज़ें लगेंगी, ये सेट फॉर्मेट है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंस्टेड की वो दो तीन बननी थी चीज़ें, पहला FIR आया, वो सेकेंड वाले में सब कुछ ही आ गया, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही धाराएं बताई हैं, सब कुछ आ गया। एंड दीज आर वेरी संगीन यार, मतलब आप लोग सब अरेस्ट हो सकते हो, आप सब लोग जेल जा सकते हो। अब उस टाइम पे मैं घर में घुसूं जहाँ पे मुझे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि करण आप मत जाइएगा क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दिस, डोंट गो। अगर आप अब गए, अगर पुलिस स्टेशन से निकल के आप अलग नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप घर घुसे तो कुछ ऐसा हो सकता है सर कि उसके बाद आप निकलो ही ना। वाई विल आई गो? आई हैव टू फाइट। देखिए, ऐसा ऐसा नहीं होता है कि सीधा आप लेके लॉयर को लेके पहुंच जाओ। आपकी हर चीजें थी तो आज भी आप है, आज भी है। दिस अ डिफरेंट वे टू डू थिंग्स, दिस कुड बी माई परस्पेक्टिव ऑफ डूइंग थिंग्स, बट वी हैड टू डू दिस। सी, द फर्स्ट 4 मंथ्स वेंट इन वॉट? गेटिंग द एंटिसिपेटरी बेल्स। 4 महीने लग गए, जिसके बाद आई गेव द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद देन आई वेंट बैक, मैं गया ना नवंबर में, गया ना घर, क्या हुआ? फिर से फिजिकली आपको धक्का मुक्की ये सब किया जा रहा है, लाइफ थ्रेट दी जा रही है, लोग मेरे साथ हैं उसके बावजूद ये किया जा रहा है। तो अब कल को, यू नो हाउ इजी इट विल बी टू डू वन लिटिल मोर थिंग, हाउ इजी वुड इट बी, यू कैन इमेजिन। हम सब लोग बड़े समझदार हैं, हम सबको पता है एक छोटी सी चीज़ और आपके खिलाफ गलत वहीं पे दिखा दे करके हो गया। फिर तो मैं मतलब पहले वाले की सफाई दूँ, मैं दूसरे वाले की सफाई दूँ, मैं तीसरे की अब आके सफाई दूँ, और मैं ये सफाई देने ही आया हूँ। और आप लोगों का जो सोशल मीडिया वो कह रहे बहुत हैप्पी चल रही थी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस थे, बहुत प्यार मोहब्बत, आपने बीच में काम भी किया था रात में। 2015 में झगड़ा हुआ, फिर ठीक हो गया थोड़ा सा, ये ना इस पे बता दीजिए। ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 2015 कोई झगड़ा ऐसा सच नहीं हुआ था, शी वाज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर विद समबडी व्हिच ही एक्सेप्टेड। हां जी, आपने एक्शन नहीं लिया? मतलब एक्शन तो आदमी अब क्या एक्शन ले, मैं तो उस टाइम भी एक्शन नहीं लिया तो जिसका एक्शन का रिएक्शन ये बना दिए। और ये जो पुलिस कंप्लेंट हुई थी जिसके बाद ये पूरा हुआ, वो जब बाहर आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चोट निशान था, ये कितने दिनों से शुरू हुआ था अचानक? ये भी कहा जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिए गए। सी, अब उसके जो फर्स्ट, दैट्स व्हाई हमने आज फर्स्ट FIR की ज़्यादा बात नहीं की, मैंने सेकंड पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें मेरी फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो इसके बारे में कोई उसको भी जाके पूछता नहीं है। अब फर्स्ट वाले में एविडेंस अलग है, दिख रहा है। आप में से कितने लोग, आप सिंपल सा एक चीज़ बोलता हूँ, सीधी वॉल है, आप सर मारेंगे, इतना बड़ा शार्प कट आएगा? ये सबूत लग गए। नो, आई हैवंट फाइल एनी FIR, डेफेमेशन केस, यस, अगेंस्ट रोहित वर्मा, मनीषा कटवानी एंड रोहित साटिया, यस। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, बट एवरीथिंग आई वुडंट से, बट एक काउंटर डिवोर्स फाइल मैंने कर दिया है जो मैंने बताया। तो ये आपने खुद पकड़ा क्या कि आपने, और ये मतलब
सी शी टोल्ड मी अबाउट द अफेयर, ठीक है, उन्होंने उन्होंने खुद बताया था मुझे उस टाइम पे, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मतलब बेसिकली शी वॉन्टेड अलग होना चाह रही थी, उनको उसके साथ बच्चे भी करने थे, उनके साथ रहना भी था, जबकि उस आदमी की खुद भी एक वाइफ और बच्चे थे, दो बच्चे भी थे, उसकी वाइफ खुद मेरे घर में आई है उस टाइम पे बात करने के लिए, जब ये कहा गया कि नहीं मेरा उसके साथ इतना कुछ है नहीं, ये भी कहा गया, और उस टाइम पे लक्ष्मी रावल, हर मदर, रोहित साटिया, हर सो कॉल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रदर, इन लोगों ने, ये लोग सब प्रेजेंट थे वहाँ पे। टेलीविजन से थे, कौन है वो श्लब जो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये जो है उन्होंने मेंशन, जैसे कि आपने कहा कि लॉकअप में इनिशा ने इस बारे में मेंशन किया था, बट शी हैज मेंशनड अदरवाइज, शी हैज सेड कि आप, यू वर द वन हु बेग्ड हर टू स्टे बैक विद हर, सी देखिए इनफिडेलिटी उन्होंने की, सो व्हाई वुड आई बेग हर टू स्टे, मतलब आप एक रिलेशन में अगर थे और आपके साथ धोखा होता है, यू विल बैग कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ रहो, मतलब अगर मदर और वो अगर कर रहे हैं, मुझे माफिया मांग रहे हैं कि कर लो, मतलब डोंट, तो डू यू थिंक आई वुड बी बेगिंग हर, वही ना परसेप्शन, इट्स हाउ इट इज प्रोजेक्टेड, इट्स सो इजी, आप कह रहे हो कि भैया इनफिडेलिटी हमने की, लेकिन भाई भीख ये मांग रहा था मुझसे, बच्चा हमने ही लूज किया, माई फर्स्ट चाइल्ड दैट वी लॉस्ट, इज इट एन ओनली लॉस फॉर हर, नॉट फॉर द गाय, दो दिन के बाद तो यार आई एम गोइंग एंड शूटिंग विद 200 पीपल, इज इट ओके फॉर मी, मतलब वो स्ट्रेस मेरे लिए नहीं है, आई वेंट अंडर एक्यूट, आई हैड एलर्जीज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ऑफ लूजिंग, अगर आप लोगों को याद हो बिग बॉस में भी मेरे को शॉट्स लगते थे, डेढ़ साल तक मेरे को इंजेक्शन दो बार हफ्ते में लगते थे, मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं है, वट शी सेड, आपको स्टेटमेंट अगर याद होगा, ही वॉज नॉट देयर, सो आई, भैया मतलब अब कैसे वेंट आउट, एक दिन बैठ जाए आपने पूरा सुन ले, इतने महीने तो आप फुटेजेस निकाल लीजिए उस टाइम की, चार दिन पांच दिन बाद एक बर्थडे पे भी हम लोग मेरे बर्थडे पे ही थे, उसके बाद आई टुक हर आउट ऑल्सो, वी ट्रैवल्ड ऑल्सो, आई टुक हॉलीडेज विद हर, ये मतलब हाउ डज दिस मेक सेंस, यू नो नो, सो दैट वॉज आफ्टर द, सो वेन शी एक्सेप्टेड दिस इन अर्ली 2016, आई वेंट टू बिग बॉस लेटर, एंड देन आफ्टर दैट वी हैड conceived Kavish also. So before going to Big Boss, actually we conceived. So that was the thing. So then things started happening because we went to the US for 2 months. Then we came back and things were getting better, better. And then we decided to have a child also after that. Actually. So that was the thing. So जैसे कि आपने कई सारे evidence submit किए Goa Institution में, तो वहाँ से उस तरह का reaction मिला, police ने क्या उस पर कुछ? देखिए वो तो लिख लेते हैं ना. हाँ. Basic चीज होती है. यहाँ पे हूँ नहीं, आप कितना आसान है बॉम्बे में यार अपने आप को फिर से फाइनेंशियली खड़ा करना, एक फ्लैट ले लो, ये कर लो, गाड़ी, सारी गाड़ियाँ ले ली, गाड़ी बेच दी, अपनी नई गाड़ी ले ली, अपना नया बिजनेस कर लिया, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट आ ही रहा है ना कहीं से. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस, द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन इज हिम, हिज फ्यूचर, वो खड़ा होकर जब दोबारा देखे, आई हैव इनफ थिंग्स टू शो हिम विच आई कांट शो यू, एंड इज अ स्मार्ट किड, तो जब बड़ा होकर मैं उसको सिर्फ ये दे दूंगा, तब तो पता नहीं कौन सी चीज़ आ रही, बोलूँगा ये ले बेटा पर इंटरव्यू ले ले, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, सी इट फॉर योर सेल्फ, डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड थिंक वॉट एवर यू हैव टू, आई डिड माई बेस्ट, हाउ डू आई, कहाँ से सुन लिया, कहाँ, देखो वैसे तो बड़ी पता नहीं अब वो क्या बोल रही है, आई डोंट पे मच हीट टू इट, आई हैवंट सीन माय सन फॉर 14 मंथ्स, 2nd नवंबर इज द ओनली टाइम व्हेन आई एंटर्ड द हाउस आई सॉ हिम, ही केम, ही सेड आप रहने आए हो, आई हैड अ सर्टेन थिंग आई गेव टू हिम, and the only two things he said was that I love you and I miss you, 4.5 saal ka bachcha, that's it, and that's the time I decided that ab chahe 1 saal lage, 2 saal lage, 5 saal lage, 10 saal lage, jo bhi lage, I will fight this, you have to hold on now, you will have to hold on, because I can't concentrate on that part first,
हाउ डू आई, पहले माँ बाप भाई को निकालूं, अपने आप को निकालूं, सिचुएशंस करूं, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस मैं आप लोगों को आके बताऊं कि मैं काविश को लेके घूम हुआ। यस आई हैव, डू यू थिंक इन दिस सिचुएशन जो चल रहा है, इज इट अ हेल्दी एनवायरमेंट फॉर काविश टू बी इन दैट सिचुएशन? ये अगेन एविडेंस प्रोवाइडेड ही इज नॉट इन एन ओके स्पेस, ही इज 100 times बेटर ऑफ विद मी राइट नाउ। जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाड बनाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाएँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे अपने पेज पे डालो, कुछ भी करो आप, डू यू थिंक इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर? नो। इस सिचुएशन में काविश की आप, काविश की क्या वीडियोज डलती हैं सोशल मीडिया पे? हाउ इज ही बींग यूज? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी एक वीडियो बना के डाली जा रही है। वाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था, आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश। इफ अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया। इफ यू गाइज रिमेंबर, करेक्ट, मेरा आप देखो क्या प्रोटेक्शन होता है उसके लिए, कि बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का। ये ठीक है, हमारी चीज़ है, पहले पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाए, करना होगा करेगा। दिस वॉज माई आइडियोलॉजी ऑलवेज, एंड लुक हाउ इज बींग यूज। देखिए अभी सब कोर्ट में, अभी वो कुछ नहीं बता सकते। सी अगेन द मैटर इज इन लिटिगेशन, टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ इज ऑल्सो नॉट ओके। द रीजन वाई आई हैव डन इट एंड आई हैव सेड, बिकॉज ये सारी चीज़ें कोर्ट में लग चुकी हैं। ये नहीं है कि मेरे पास आज नई चीज़ आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगाने, ये कोर्ट में लग गया पिछले महीने, तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ आज, तभी आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन गोइंग अराउंड, बिकॉज आई हैव इनफ थिंग्स नाउ, आई हैव इनफ पीपल टेलिंग मी थिंग्स। जजमेंट की अब तो फिर वही हो जाता है, वो जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके आसपास के जिनों की इंडस्ट्री में लोग हैं, तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है? इन्होंने जब उनका सपोर्ट हो, वो आपको समझते हो, तो कहीं ना कहीं इन केसेस को जीतना या फिर लड़ना काफी आसान हो जाता है, कि वो इमोशनल सपोर्ट मिलता है। देखिए आज की तारीख में ऑफकोर्स ये भी मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों को सच्चाइयाँ पता चल रही है, दोनों जब साथ में दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं, लोगों की पार्टीज में दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यार यहीं लोखंडवाला में मेरे पूरी मार्केट मुझे पिछले 20 साल से जानती है, मैं चले जाता हूँ उसी मार्केट में, लोग बोलते हैं कि सर आए थे दोनों साथ में, हाँ वहाँ, एवरी टेल्स मी, यार डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग? आदमियों के लिए तो जो सी लॉज इन आवर कंट्री आर वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन, ये बनाए इसलिए गए थे ताकि सही चीज़ के लिए यूज़ किए जाएं, क्योंकि गलत चीज़ें औरतों के साथ बहुत हुई हैं इतने सालों में, तो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, ना कि इसलिए कि आप मिसयूज़ करके, भैया आओ सारी फैमिली को भी ले लो, इसको भी ले लो, भाई इसका ये लो सर भी मार दिया, ये लो भाई अफेयर भी कर रहा है, ये लो ऐसा है, 10 चीज़ें लगाई हैं यार, मतलब आई कैन इवन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स शी इज पुट, इट साउंड्स सो वियर, घर आया मारा कपड़े फाड़े, ही डिड दैट थिंग। सी आई डोंट नो अबाउट दैट, ही केप्ट फाइटिंग अ केस फॉर 6-7 years, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में, शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है, एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको, यहाँ तो मैं अपनी अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ ले कर चल रहा हूँ ना साथ में, तो इट इज़ इट एग्जैक्टली, एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है, लोग हमारे यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ भी मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही हो रहा है,
हमारी बीवी ने, हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया है, हम तो बस फंसे ही हुए हैं. ये सब चीज़ें हो रही हैं, परसेप्शन नीड टू चेंज देयर ऑल्सो. हम और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है, ये हो रहा है और आदमियों के लिए सच. एक बात तो है ना, सच्चाई कहीं होगी तो बाहर तो आएगी. लड़ाई लंबी होती, यही सिखाया गया ना बचपन से हम सबको कि भाई अगर आप सच्चे हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, सच्चाई आएगी बाहर ज़रूर. और जब सच पता चलता है तो झूठ की हार तो होगी. तो अब जब मैटर कोर्ट में है, लेट लेट द जजेस डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड. देखिए ऑफकोर्स काम पे भी असर, एंड मैं भी उस स्पेस में नहीं था कि मैं मतलब शोज अदरवाइज. अब तो जाके मैं थोड़ा बहुत अपने आप को यू नो पिछले 3-4 महीने से आई हैव गैदर्ड माई सेल्फ अगेन. आई एम ट्राइंग टू लुक आफ्टर माई सेल्फ फॉर अ चेंज. प्रोफेशनली बहुत असर पड़ा यार. मतलब आपके लिए बोल दे कोई मीडिया में जाके, भाई राम जैसी इमेज है नहीं ऐसा, ये तो उसको मारता था. मतलब इंटरव्यू ने पूछा भी, आपने देखा? नहीं, आपने देखा नहीं है. बट हाँ, किसी ने आपसे कह दिया तो आप कह दोगे जाके. ये तो वही बात होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम इनको पकड़ लेते हैं, भाई साहब को बोलते हैं भाई ये इन्होंने ना खून कर दिया है, अभी हम लोग सब आ जाते हैं, इनको मार पिटाई कर देंगे, ये मर जाएंगे. उसके बाद बोलेंगे, अब सच्चाई आ जाती है, अरे भाई ये तो निर्दोष थे. बोलेंगे अरे यार सॉरी यार, हमारे हाथ से मर गए. ये डज इट जस्टिफाई व्हाट यू डिड? हाउ इट जस्टिफाइज यार? यू आर ऑल टू ब्लेम देन. तो इस मामले में जिस जिसने गलत बोला है, दे आर टू ब्लेम ना. जिस तरह अगर रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल और कंस्पायर्ड, तो रोहित वर्मा एंड मुनीषा कटवानी ऑल्सो डिड द सेम थिंग. एंड मुनीषा कटवानी ने भी बहुत कुछ बोला है, आप इंटरव्यू निकाल के देख लो. इंटरव्यू ने पूछा भी था, आपने कुछ देखा है? नहीं. एंड शी नोज मी ऑल्सो, 11 साल से मेरे को भी जानती है. सबसे पहले आप किस बिना पे बोल रहे हो यार? आपने मेरे से बात की? आपने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी? आपका मेरे साथ कोई एक्सचेंज हुआ मैसेज? नहीं. आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं, सारे 40+ हैं यार. मतलब दे आर नॉट स्मॉल किड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल. सोसाइटी के इमेज जैसे होती है, हमारी जैसे इंडस्ट्री की भी है, एक डिज़ाइनर है, एक टैरो कार्ड रीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप दोनों को जानते हो? आप समझने की तो कोशिश करो कि आप कुछ भी बोल के कहीं भी निकल जाओगे और आपने कुछ देखा नहीं. हाउ डज इट जस्टिफाई यार? मतलब मैं भी 4 लोगों को खड़ा करके कुछ भी बकवास करूं? अरे ऑफर आए ना आए, मैं तो खुद भी बिग बॉस में गया था यार, जरा निकाल के फुटेज देख लो. और उसमें भी वो टाइम वो था कि कुछ महीने पहले हम लोग उस सिचुएशन से निकले थे, आफ्टर आई केम टू नो अबाउट हर इनफिडेलिटी एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग इन बिग बॉस. उसकी एक फ़ोटो फाड़ दी गई थी, उस फोटो को भी मैंने जोड़ के किया था. मतलब और फिर कहते हैं कि ही वॉज बेगिंग. देखिए मेरी पर्सनल, मैंने आज तक यार 20 साल में अगर आप लोगों ने देखा हो, 15 साल तो टीवी से आप लोग देख रहे हो, क्या आपने कभी मेरे को देखा है प्रचार करते हुए मेरी पर्सनल लाइफ का? आई एम अ वेरी क्लोज पर्सन. आप लोगों से कितने लोगों ने बोला घर आना है, घर आके देखना है, मैंने कभी अलाउ नहीं किया. लेकिन आज उसी घर की वीडियो अच्छे से बनाकर सोशल मीडिया पे डाली जा रही है बेचने के लिए, विदाउट माय कंसेंट, विदाउट माय कंसेंट. मेरा घर ये दोनों बेचना चाह रहे हैं विदाउट माय कंसेंट, घर में मेरा नाम है यार. मतलब क्या हो क्या रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? कुछ भी करना चाह रहे हैं. दैट वॉज अ नो कॉलर आईडी, एंड प्लस मेरे पास रिकॉर्डर आईफोन के होते ही नहीं है, तो मेरे पास तो आई विश आई हैड, दैट वुड हैव बीन इजी. देखिए मेरे पास वो एक हार्ड एविडेंस काफ़ी है, साथ में जितने आ जाएँ इट इज़ वेरी गुड फॉर मी. आई एम नॉट बैंकिंग. सी दैट्स वाई वंस व्हेन शी आस्क्ड मी कि वाई वर यू वेटिंग, आई सेड आई नीडेड दैट वन ओपनिंग फॉर मी. एक होता ना आदमी वेट कर रहा होता है उस उम्मीद का कि वो उम्मीद कब मिलेगी. वो उम्मीद मिली तो उसके बाद अब एवरीथिंग विल क्लियर ऑफ. मैं तो देखिए मेरे सोचने
काबिज की कस्टडी की आप लोगों में बात हुई थी, आप किसके पास कस्टडी होगी ये भी बात हुई होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बोल जाएंगे। सी उस टाइम पे तो यही था कि काबिज ऑफकोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी म्यूचुअली चीज़ें हो रही थी समझदारी के साथ। आई सैट डाउन विद हर, टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे ये चीज़ कर लेते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफकोर्स मैंने कहा था कि काविश विल बी विद हर एंड आई विल बी देयर एज वेल टू सपोर्ट। मैं भी यहीं हूँ, यहीं रहूँगा, साथ में आसपास हूँ, कभी भी कुछ ज़रूरत हो आई एम ऑलवेज देयर। आई हैव ऑलवेज, मेरा तो आदत ही यही है, तो नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ एवरीबडी, चाहे वो मेरी टीम से हो, कुछ भी हो, वट एवर। बट आज वो चीज़ वो अलग ही हो गई। आपने जब वो चीज़ कर दी, सबसे पहले तो वहीं से फर्स्ट को जो आपने रात को किया है, ये सारी चीज़ें तो वेव ऑफ हो गई। यू नो, एक होता है कि आप समझदारी से कुछ बात करो, एक होता है वेव ऑफ। और ये चीज़ तो जब हिंट था, चीज़ें हो रही थी, ऑफकोर्स आई डिसाइडेड काविश इज, उसका फ्यूचर मुझे भी देखना पड़ेगा ना। एज अ फादर आई वॉज थिंकिंग कि मदर के साथ अच्छा रहेगा, यू नो इट विल बी गुड फॉर हिम, आई विल बी सीइंग हिम ऑफकोर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, देर इज़ नो प्रॉब्लम, हिज एक्टिविटीज़ आई विल डू, वो सब मैंने प्लान किया ही हुआ था वैसे। बट टुडे इफ़ यू आस्क मी, आई वुड लाइक टू टेक फुल कस्टडी एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि छोटे होते भी मैंने पाला है। मैंने 1.5 साल काम नहीं किया पहले, व्हेन ही वाज बॉर्न, एवरीबडी नोज दिस, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर हिम, फीडिंग हिम, मसाजिंग हिम, टेकिंग केयर ऑफ हिम, डॉक्टर शॉट्स, दिस दैट, आई हैव बीन एवरीवेयर विद हिम। स्कूल भी 6 महीने का टॉडलर प्रोग्राम था, आई यूज टू गोइंग टू सी अ डॉक्टर ऑल्सो, आई यूज टू टेक हिम फॉर दोज क्लासेस एवरी टाइम, आई हैव नेवर मिस्ड वन क्लास। मेरे पास बड़ी चीज़ें हैं, पहले लिखित में जो दिया था वो अलग था, उसके बाद जो कोर्ट में डाला गया है वो तो बहुत ही अलग है, वो तो उससे 2.5 times ज़्यादा है। मतलब एक बच्चा हम लोग पालने की कोशिश कर रहे हैं एक फौज को, और एक बच्चे के लिए इतना पैसा तो नहीं चाहिए। हम लोग सब पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े भी हुए हैं स्कूल्स में भी, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली है, हम भी पढ़े लिख के यहाँ पे तो बैठे ही हैं आपके सामने। कौन से बच्चे को इतने लाखों रुपए की ज़रूरत है हर महीने, ऐसा क्या होने वाला है? तो नेचुरली एल्युमिनी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जब इतने लाख मांग लोगे बच्चे के नाम पर कौन यूज़ करने वाला है? डू यू थिंक आई विल गिव हर पेनी टू यूटिलाइज, ट्रस्टिंग हर टू यूज़ इट फॉर हिम इन टुडे सिचुएशन? मैं तो सिंपल सी चीज़ है, बच्चा मेरे को दे दो मैं पाल लूँ, सिंपल, कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को दे दीजिए, आई विल डू द नीडफुल।